हाँ देखिए, तकरीबन 10 बजे का वो समय था, यानी कि सभी पार्टी के नेता जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कहा ये जा रहा है कि कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी और ये सर्वदलीय बैठक इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि इस देश में जो स्थितियां हैं और स्थितियों के बीच कैसे ये देश एक कदम बांग्लादेश के इस पूरे मामले में उठाए, उसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल ममता बनर्जी ने भी ये बिल्कुल साफ कर दिया था और ये कहा था कि पश्चिम बंगाल के लोग किसी भी तरह की अफवाह में ना आए और केंद्र सरकार के हर फैसले के साथ पश्चिम बंगाल सरकार खड़ी है। इस स्पष्टीकरण के बाद अब आज सर्वदलीय बैठक, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना जो है वो भारत में ही मौजूद है, उनका अगला कदम क्या कुछ होगा इसको लेकर रुख अभी साफ नहीं है। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब स्थितियों के बीच आज सर्वदलीय बैठक में क्या फैसला होगा, वो बांग्लादेश से निकलकर अगरतला और अगरतला से वो सीधा गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली पहुंचती हैं और दिल्ली में ही इस वक्त वो मौजूद है। लेकिन कब तक उनकी मौजूदगी दिल्ली में रहेगी, उनकी मौजूदगी के बीच उसका आगे का कदम क्या होगा, भारत इस कदम में किस मजबूती के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर बात करें तो भारत के रिश्ते जो हैं वो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा सहज रहे हैं। ऐसे में अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का इन तमाम विपरीत हालातों में भारत के अंदर होना और अब कैसे देश एक फैसला ले बांग्लादेश के इस मुद्दे पर, यही वजह है कि आज संसद के नए परिसर में सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया है, जहां पर सभी दलों के साथ राय मशवरा किया जाएगा और एस जयशंकर जो है वो मौजूदा हालात की जानकारी जो है वो सभी दलों के नेताओं को देंगे। यानी कि अब आगे स्थितियां स्पष्ट कैसे हों, आगे भारत की रणनीति क्या हो और भारत कैसे इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, छात्र नेता नाहिद इस्लाम का बयान सामने आया है, मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है, जिम्मेदारी लेने को तैयार है ये कहा गया है। मोहम्मद यूनुस और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और आपको बता दें कि छात्र नेता नाहिद इस्लाम की तरफ से ये कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस और इनके अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग जो है वो उठने लगी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नई सरकार के गठन के लिए सलाहकार बनाया गया है और इनके नेतृत्व में अंतिम सरकार की रूपरेखा तैयार होगी। लेकिन इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री बनाने की मांग जो है वो उठने लगी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो लगातार देखिए जिस तरीके से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में और इसी बीच बड़ी जानकारी। बिल्कुल पुनीता, बड़ी जानकारी लगातार दे रही है, इस खबर पर हमारी नजर भी है। बांग्लादेश की सत्ताधारी आवामी लीग के नेताओं पर भी जनता का गुस्सा लगातार फूट पड़ा है। आपको लगातार बता रहे कि लालमुनिहादी इलाके में आवामी लीग के ज्वाइंट सेक्रेटरी को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया और ऐसे में देखिए कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, घरों को निशाना बनाया जा रहा है, जो बड़े बड़े आवास उनको निशाना बनाया जा रहा है। कल आपने वो तस्वीरें भी देखी थी, पीएम आवास में घुसकर प्रदर्शनकारी कैसे जो फर्नीचर था उसको अपने साथ ले गए, किचन में खाना बनाया, नारेबाजी की, खुशी जाहिर करते हुए नजर आए थे और तोड़फोड़, आगजनी चारों तरफ, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और इस वक्त भी आपको लगातार दिखा रहे चटगांव हो, अलग अलग जगह है बांग्लादेश की जहां पर जो बिल्डिंग्स है उनको आग के हवाले किया जा रहा है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, पुलिस कर्मियों की भी मौत हो चुकी है। हालांकि सेना लगातार वहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि स्थिति काबू में नहीं और 6 पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया, ये भी खबर मिल रही है। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है और सवाल ये खड़ा होता है कि अब पाकिस्तान के राह पर बांग्लादेश चल रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान से कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी, श्रीलंका से देखी थी और बल्कि बांग्लादेश से भी देखी कुछ ऐसी तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है और यहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान। और अगस्त में एक बार फिर से क्रांति क्यों भड़की है ये आपको बता दे रहे हैं। दरअसल जो हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हैं उस पर केवल भारत की नहीं देश दुनिया की नजर है और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगस्त में क्रांति क्यों भड़की है आखिर। दरअसल जून जुलाई में आरक्षण के मुद्दे पर छात्रों का प्रदर्शन था और यह प्रदर्शन बहुत लोअर लेवल पर शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होता चला गया। आंदोलन को दबाने के लिए जबरदस्त पुलिस एक्शन लिया गया, शांत कराया जाए छात्रों को, लेकिन छात्र शांत नहीं हुए।
आरक्षण कम करने के फैसले से आंदोलन धीमा जरूर हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद यह आंदोलन और अग्रेसिव हो गया। इस दौरान 6 प्रमुख छात्र नेताओं को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन उसके बाद गुस्सा छात्रों का और ज्यादा बढ़ता चला गया। हिरासत में रखे गए छात्र नेताओं पर अत्याचार किए गए हैं, ऐसे आरोप वहां के छात्रों की ओर से लगाए गए हैं कि जिन छात्रों को हिरासत में लिया गया उनके साथ अत्याचार किया गया। जबरन आंदोलन खत्म करने के बयान जारी कराए गए छात्रों से उन पर अत्याचार करके कि भाई हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं, ऐसा आरोप छात्र लगा रहे हैं और ये फोर्स किया गया उन लोगों को। कुछ छात्र नेताओं की रिहाई के बाद सारा भेद खुला और हिरासत अत्याचार जबरन बयान दिलाने से छात्र और ज्यादा भड़क गए, जिसके बाद स्थिति ऐसी बन गई कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनको देश छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दे दिया गया। क्या हालात बने, क्यों हालात बने, एक बार फिर इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश के वो 45 मिनट जिसने सियासी तख्ता पलट कर दिया, लेकिन इन 45 मिनट की स्क्रिप्ट बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी और इस पटकथा के लेखक थे कट्टरपंथी। ये वही हैं जिन्होंने मुल्क में बढ़ते हिंसा को मौके के तौर पर लिया, जिसके बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। जिस कट्टरपंथ की वजह से पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है, जिस कट्टरपंथी संगठन के कारण पाकिस्तान में अनाज की जगह आतंकवाद पनप रहा है, उसी राह पर बांग्लादेश भी बढ़ चुका है और इसका उदाहरण पिछले कुछ महीनों में सामने आया है, जब बांग्लादेश को आरक्षण के विरोध में हिंसा की आग में झोंक दिया गया। जुलाई में शुरू हुई इस हिंसा में नाम सामने आया पाकिस्तान परस जमात इस्लामी पार्टी का। खबरों के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन को विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी का समर्थन हासिल था, जिसके बाद शेख हसीना सरकार ने 1 अगस्त को जमात इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। बैन लगाने का फैसला हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेतृत्व वाली 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया। इस फैसले के पीछे की वजह आतंक विरोधी कानून के तहत कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप था और बांग्लादेश की सियासी घटनाक्रम के पीछे इस बैन का गुस्सा भी माना जा रहा है। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है, जो पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक दलों में शामिल है। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था और वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। ये कोई पहली बार नहीं था जब कट्टरपंथी जमाते इस्लामी पर बैन लगाया गया था। इससे पहले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने भी इस पर बैन लगाया था। उसके पीछे की वजह बांग्लादेश की आजादी का विरोध करने के साथ पाकिस्तान की कब्जे वाली सेनाओं का सहयोग करना था। हालांकि बंगबंधु की हत्या के बाद सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल रहमान ने प्रतिबंध हटा दिया था, जिसके बाद कट्टरपंथी पार्टी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। 1 अगस्त को कट्टरपंथी पार्टी पर बैन लगा और 4 दिन बाद यानी 5 अगस्त को मुल्क में सियासी उलटफेर हो गया। हालात ये हो गए कि शेख हसीना को सिर्फ 45 मिनट का वक्त दिया गया। इधर जमाते इस्लामी पार्टी के समर्थक खालिदा जिया को जेल से रिहा करने का ऐलान कर दिया गया है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में भी कट्टरपंथ अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी चुनावी राजनीति में जमाते इस्लामी शाखा सबसे प्रमुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बातचीत के लिए मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं कि बांग्लादेश के हालात पर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, सर्वदलीय बैठक भी हो रही है। मेहमानों का परिचय करा दूं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, मेजर राजन कोचर इस वक्त स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर वीके दत्ता हमारे साथ स्टूडियो से हैं और कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। महिमा
बिल्कुल देखिए लगातार इस पूरे मामले पर तो नजर ही, लेकिन सबसे पहले शैलेंद्र सिंह जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात अभी क्या विकल्प है शेख हसीना के पास, वो आगे क्या करेंगे, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि अब हमें भी अलर्ट होने की जरूरत, क्योंकि दुश्मन कम नहीं है। अब बांग्लादेश से भी देखिए इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, वहां पर भी हमें बॉर्डर्स पर जो हमारे इलाके हैं वहां पर हमें अपनी सेना को और ज्यादा तैनात करना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हमेशा इंडिया एंगल जरूर देखना चाहिए। आज मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा, अगर इस पूरे इवेंट्स का एनालाइज करें तो ये सीधे सीधे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा, चैलेंज पैदा करेगा। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें ना केवल अपनी फौज वहाँ बढ़ानी पड़ेगी बॉर्डर्स के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर जो हमारे शरणार्थी आएंगे उनको भी हैंडल करना पड़ेगा, ओवरऑल एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर इकोनॉमिकली भी आएगा, एक बर्डन भी आएगा, ओवरऑल ये भी आएगा कि क्या अब इंडिया इतने 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी लेने को तैयार है, हिंदूज के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उनको सबको वापस लेने को तैयार है। जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, मुझे ऐसा क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि ये एक सिस्टमैटिक सैबोटाज है। ये इसके ऊपर एक अकेला छात्र या वो 6 लीडर जिनको के अरेस्ट किया गया था, ये उनकी क्रिएशन हो नहीं सकती, क्योंकि इस पूरे इवेंट के बीच में छात्र रिजर्वेशन अपने आप में मुद्दा दिख ही नहीं रहा, क्योंकि अगर दिखता तो आज सवेरे तो कम से कम बंद हो जाना चाहिए था सब कुछ, क्योंकि आपको तो सब कुछ मिला हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर थोड़ा सा पीछे भी जाएं, कौन सा ऐसा इवेंट है जो दिखाता है कि सिर्फ रिजर्वेशन के लिए यह सारा का सारा किया जा रहा है? यह किया जा रहा है 3 कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट के लिए। पाकिस्तान अपना रिवेंज ले रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। चाइना इंडिया बांग्लादेश के अच्छे रिलेशंस टॉलरेट नहीं कर पा रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ टॉलरेट नहीं कर पा रहा। यूएस इसको आंख बंद इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसने नेवल बेस मांगे थे बांग्लादेश के अंदर जो उसको नहीं मिले। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक एंटी इंडिया कैंपेन भी है। बिल्कुल। और देखिए सर, आपसे मेजर एसपी सिन्हा सर आपसे भी ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 2 महीने पहले आरक्षण के खिलाफ जो ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, हिंसा में इस कदर तब्दील हुआ कि तख्ता पलट तक हो गया है बांग्लादेश में। आखिर क्या वजह सामने आ रही है, किसका हाथ इसके पीछे हो सकता है, हो क्या रहा है बांग्लादेश में? चीन और पाकिस्तान